हेलो एवरीवन, आप साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द 10th लेक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो बच्चों, ये हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं विथ टेलीस्कोप्स। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ रखा है ना। माइक्रोस्कोप क्या था? अ माइक्रोस्कोप इज यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज टू इट, है ना। वो पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, से विद इन फ्यू सेंटीमीटर्स। टू लुक एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज अ स्टार, अ प्लैनेट और अ डिस्टेंट ट्री एटसेट्रा, वी यूज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ टेलीस्कोप, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमारे को दो लेंसेज दिए रहेंगे और इन दो लेंसेज की मदद से हम लोग क्या करवाते हैं, रेज को रिफ्रैक्ट करवाते हैं और जो फाइनल इमेज बनती है वो आप देख पा रहे हैं P"Q" के फॉर्म में दिख सकती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग एनालाइज करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को। सबसे पहले द मेन कंसिडरेशंस विथ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को भी देखते हैं इस टेलीस्कोप से, तो इसलिए इसका नाम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी रहता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है हम लोग गैदर कर सके, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत दूर है तो उनसे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी वैसे भी बहुत कम होती है, पर फिर भी हमारे को सिग्निफिकेंट लाइट तो चाहिए ही चाहिए ताकि हम लोग उसे देख सके, ठीक है। तो द मेन कंसिडरेशंस विद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर एंड इट्स रिजोल्यूशन और रिजोल्विंग पावर, है ना। ये हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। ये रिजोल्विंग पावर क्या होता है या फिर रिजोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप दो पत्तों को देख रहे हैं ना, एक बहुत से बहुत दूर एक पेड़ है जिसके आप दो पास पास रखे पत्तों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उन दो पत्तों को अगर आप डिस्टिंक्टली देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं, है ना। वो जो दो पत्ते हैं दोनों की ही इमेज हमें प्रॉपरली अच्छे से दिखाई दे, इसी प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं हो कि वो सुपर इम्पोज हो जाए और हमारे को एक कंटिन्यूस सी चीज दिखाई दे। जैसे जब आप दूर के पेड़ को देखते हैं तो आपको वो जो पेड़ के जो पत्ते दिखते हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, ऐसा लगता है कि वो एक कंटिन्यूस सी चीज है ना। तो देखिए यहां पर, वही यहां पर लिखा है कि द फॉर्मर क्लियरली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि लाइट गैदरिंग पावर कौन डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा एरिया है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लार्ज डायमीटर वाले लेंसेज। विथ लार्ज डायमीटर्स फेंटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, द रिजोल्विंग पावर और द एबिलिटी टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली विच आर इन वेरी नियरली द सेम डायरेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इस बात को हम लोग और अच्छे से समझेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, है ना। वहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो रिजोल्विंग पावर है और द एबिलिटी टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली विच आर इन वेरी नियरली द सेम डायरेक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों, कुल मिला के हमारा एम क्या है फाइनली, अगर हम लोग टेलीस्कोप बना रहे हैं तो हमारे को उसके ऑब्जेक्टिव को कैसा बनाना पड़ेगा, लार्ज डायमीटर का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहां पर रे डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं ना। जैसे कि एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है पी क्यू, ठीक है, तो उससे रेज जो है वो आ रही है। अब जो रेज है वो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है ना। सो दीज रेज, है ना, व्हेन फर्स्ट स्ट्राइक द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो क्या होता है उनके साथ, तो वो रिफ्रैक्ट करती है और उनकी इमेज जो है कहां बनती है, फोकल प्लेन में, है ना। पहले वाले लेंस जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं उसके फोकल प्लेन में ये इमेज बनती है। अब क्या होता है कि ये जो दूसरा लेंस है ना, जिसको हम लोग आईपीस कहते हैं, जो आंख के ज्यादा पास है, तो ये लेंस क्या करती है, इस इमेज की भी फर्दर एक इमेज बना देती है और वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है और जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यही बातें यहां पर मेंशनड है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली, द वन फेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव और उसका लार्ज अपर्चर होता है और लार्ज फोकल लेंथ भी होता है। दूसरे वाले का नाम होता है आईपीस, जो आंखों के ज्यादा पास होता है, उसका अपर्चर भी स्मॉल होता है और उसका फोकल लेंथ भी स्मॉल होता है, है ना। आपने हो सकता है कि टेलीस्कोप का यूज भी करा हो
नहीं तो आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, जैसे पायरेट्स जो है वो यूज करते थे टेलीस्कोप का, तो उनकी आंखों पे जो आंखों के पास जो टेलीस्कोप का हिस्सा होता था उसकी लेंस कैसी होती थी, छोटी होती थी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टेलीस्कोप का जो फार्दर एंड है वहां पर जो लेंस है वो बड़े साइज की होती थी, है ना। तो वही यहां लिखा है कि द लेंसेज आर फिक्सड इन ट्यूब्स, द आईपीस ट्यूब कैन स्लाइड विद इन द ऑब्जेक्टिव ट्यूब सो दैट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस मे बी चेंज्ड। लेकिन बच्चों हम लोग एक स्पेशल केस के लिए यहाँ पर रे डायग्राम बनाए थे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, वेरी वेरी फार अवे, है ना। तो उस केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हेन द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पी क्यू द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स फोकल प्लेन, है ना, फोकल प्लेन पे वो इमेज बनाता है। इफ द पॉइंट पी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इफ द पॉइंट पी इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस द इमेज पॉइंट पी डैश इज एट द सेकेंड फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पी जो है इसकी इमेज कहां बन रही है, पी डैश यहां पर बन रही है, जहां पर क्या है, फोकस है ना, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके अलावा बच्चों जो रेज क्यू से आ रही थी, है ना, द रेज कमिंग फ्रॉम क्यू आर फोकस्ड एट क्यू डैश, द आईपीस फॉर्म्स अ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज पी डबल डैश क्यू डबल डैश ऑफ पी डैश क्यू डैश। तो जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे बच्चों कि अब जो आईपीस है उसका रोल आ जाएगा, है ना, वो क्या करेगी, वो इस वर्चुअल इमेज को भी और क्या कर देगी, मैग्निफाई कर देगी सच दैट कि पी डैश क्यू डैश की एक इमेज बनेगी, कौन सी, पी डबल डैश क्यू डबल डैश, है ना। डायग्राम में बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पी क्यू ऑब्जेक्ट था, उसकी एक इमेज बनी पी डैश क्यू डैश, और पी डैश क्यू डैश की भी एक इमेज बन गई पी डबल डैश क्यू डबल डैश, ठीक है। तो बच्चों ये जो पी डबल डैश क्यू डबल डैश है यही वो फाइनल इमेज है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब फाइनल इमेज हमारे को कहां पर दिख रही है, इन्फिनिटी पर, द पोजिशन इज सो एडजस्टेड दैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन सच अ केस द फर्स्ट इमेज पी डैश क्यू डैश। आप खुद सोचिए कि अगर हमें फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना है तो पी डैश क्यू डैश को कहां पर फॉर्म होना पड़ेगा, उसे फॉर्म होना पड़ेगा कहां पर, फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ द आईपीस पर, है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर आईपीस के फर्स्ट फोकल प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। और ये जो पी डैश क्यू डैश जो इमेज है वो आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह ही तो काम करता है। द आई इज लीस्ट स्ट्रेन टू फोकस दिस फाइनल इमेज, द इमेज कैन बी ब्रॉट क्लोजर बाय पुशिंग द आईपीस क्लोजर टू द फर्स्ट इमेज, है ना। अब तो ये तो हम लोगों ने बात करी लीस्ट स्ट्रेन के लिए, बाकी अदर केसेस के लिए तो हम लोग चेंजेस ला सकते हैं ना, जैसे कि यहां पर लिखा है कि द इमेज कैन बी ब्रॉट क्लोजर बाय पुशिंग द आईपीस क्लोजर टू द फर्स्ट इमेज। क्लोजर लाने पर क्या होगा, और बड़ा विजुअल एंगल हमारी आंखों में सबटेंड होगा, है ना। मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। ऐसा ही केस हम लोगों ने याद है माइक्रोस्कोप में भी देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, कि जब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही थी तो हमारी आंखें बहुत खुश थी, लेकिन जब इमेज कहां पर बन रही थी, हमारे नियर पॉइंट पर, तो वो इमेज जो है सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन उसी वक्त था, है ना, लेकिन आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था। सिंस द ऑब्जेक्ट इज फार अवे द एंगल इट वुड सबटेंड ऑन द आई इफ देर वर नो टेलीस्कोप इज ऑल्सो एसेंशियली अल्फा। अब ये अल्फा एंगल देखिए क्या है, अल्फा एंगल ये रहा, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेज है ना, वो जब इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर आ रही है तो अल्फा एंगल यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बन रहा है ना। लेकिन अब आप ये सोचिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो तो वेरी वेरी फार अवे, तो आंख हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सब ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट पी क्यू। तो अगर नेकेड आई से देखते तो भी हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कितने एंगल ऊपर दिखता प्रिंसिपल एक्सिस से, अल्फा एंगल ऊपर दिखता, राइट। और जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, बीटा एंगल नीचे बन रही है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए बच्चों वही बात यहां पर लिखी हुई थी कि सिंस द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, है ना, तो द एंगल इट वुड सबटेंड ऑन द आई इफ देयर वर नो टेलीस्कोप इज आल्सो एसेंशियली अल्फा। इसके अलावा बच्चों एक और बड़ी मजेदार सी चीज है यहां पर, ये जो अल्फा है और ये जो अल्फा डैश है ना, ये दोनों एक्चुअली है तो सेम एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, लेकिन आप देखिए कि अल्फा एंगल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और अल्फा डैश एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है।
तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि अल्फा और अल्फा डैश जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होंगे पर डायरेक्शन वाइज अलग अलग होंगे. तो यहां पर ये चीज तो हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं ना कि मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा डैश, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ टैन ऑफ अल्फा डैश के बराबर. ठीक है, तो यहां पर टैन ऑफ अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि दिस विल बी इक्वल टू पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ के बराबर. यहां पर एफ ओ क्या है, यह है फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है ना, तो हम लोगों ने बच्चों यहां पर मॉड ऑफ अल्फा निकाल लिया है ना, जो कि कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट सबटेंड करता हमारी आंखों पर अगर टेलीस्कोप नहीं होता तो भी. ठीक है ना, इसके अलावा देखिए बच्चों की ये जो फाइनल इमेज है ना पी डबल डैश क्यू डबल डैश, वो जो है आईपीस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो देख सकते हैं हम लोग यहां पर कि वो बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना. और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो टैन बीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा या तो आप पी डबल डैश क्यू डबल डैश अपॉन पी डबल डैश ई के बराबर बोल दीजिए, या फिर आप पी डैश क्यू डैश अपॉन पी डैश ई के बराबर कह दीजिए, बात तो एक ही है. तो बच्चों मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर मॉड ऑफ बीटा ले लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बीटा जो है वो नेगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ बीटा यहां पर है ना, ये जो मॉड ऑफ बीटा है इसे मैं ऑलमोस्ट कितने के बराबर बोल सकता हूं, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ टैन ऑफ बीटा है ना, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी डैश क्यू डैश डिवाइडेड बाय ई पी डैश है ना, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं पी डैश क्यू डैश अपॉन ई पी डैश के बराबर टैन बीटा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. यहां पर बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो पी डैश क्यू डैश है और जो ई पी डैश है ये दोनों ही मैंने क्या लिया है, ये दोनों ही मैंने डिस्टेंसेज लिए ना, ये दोनों ही एक्चुअली ये लेंथ है, ई पी डैश लेंथ और पी डैश क्यू डैश लेंथ, इसलिए पी डैश क्यू डैश भी पॉजिटिव है और ई पी डैश भी पॉजिटिव है. तो देखिए बच्चों अब हम लोग यहां पर दो केसेस बना सकते हैं. पहला केस हो जाएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल इमेज है ना, जो फाइनल इमेज है वो कहां पर फॉर्म हो रही है, एट इन्फिनिटी. ठीक है, तो उस केस में आपको ये समझ में आ रहा हो कि जो ep डैश है उसकी वैल्यू को एफ ई के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यहां पर कि जो ep डैश है ना, अगर ये एक्चुअली फोकल लेंथ के बराबर होगा तभी तो यहां पर जब p डैश q डैश होगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी. इसीलिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया कि ep डैश को किसके बराबर होना पड़ेगा, एफ ई के बराबर. ठीक है, और उस केस में देखिए हम लोग मॉड ऑफ बीटा अपॉन अल्फा इसकी वैल्यू कितनी बोल देंगे, तो आइए देखते हैं यहां पर मॉड ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ. तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ, और मॉड ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, तो हम लोगों ने निकाल रखा है मॉड ऑफ बीटा, पी डैश क्यू डैश अपॉन ई पी डैश है ना. तो यहां लिख देते हैं हम लोग पी डैश क्यू डैश अपॉन ई पी डैश, और ई पी डैश की वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी हो जाएगी, एफ ई के बराबर. तो देखिए पी डैश क्यू डैश ये दोनों तो कट गए है ना, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई है ना. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है ना, वो कितना आ जा रहा है, बीटा अपॉन अल्फा का जो मॉड है वो आ जा रहा है एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर. अब यहां पर मॉड से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था है ना, तो जो एंगल वो सबटेंड कर रहा था हमारी आंखों पर वो किधर था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था. लेकिन जो इमेज फाइनल बन रही है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द एक्सिस पर बन रही है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बीटा एंड अल्फा आर फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एक्सिस, हेंस देयर साइंस आर ऑपोजिट, एंड दैट इज व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि बीटा अपॉन अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, मतलब कि माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई. तो एफ ओ अपॉन एफ ई क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन है उसका मैग्नीट्यूड है, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है ना कि जो बीटा एंड अल्फा है वो दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एक्सिस पे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई. तो ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, जो किस केस में आता है, ये उस केस में आता है
जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर था, वो इन्फिनिटी पर था, और जो फाइनल इमेज भी हम लोग देख रहे हैं वो भी कहां पर देख रहे हैं, इन्फिनिटी पर देख रहे हैं, ठीक है। और इस केस में हमारी आंखें क्या होती है, लीस्ट स्ट्रेन्ड। तो देखिए बच्चों, जो जो चीजें हमने यूज करी वो यहां पर मेंशनड है कि द एंगुलर मैग्निफिकेशन और द मैग्निफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज स्मॉल एम इक्वल टू एंगल सब्टेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई अपॉन एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अनएडेड आई, है ना। जब नेकेड आई से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है वो रहा ये, है ना। अब इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या देखा था कि एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एक्सिस, हेंस देयर साइंस आर ऑपोजिट एंड बीटा बाय अल्फा इज नेगेटिव, है ना। इस केस में बीटा बाय अल्फा क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, इसीलिए मैग्निफिकेशन जो कि बीटा बाय अल्फा होगा उसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स मॉड ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, है ना। माइनस साइन को लेके हम लोग कॉन्फिडेंट थे और इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा टेंशन नहीं लिया, सिंपली मॉड ऑफ बीटा अपॉन अल्फा निकाल लिया, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग सेकेंड केस देखते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेन्ड आई वाला केस देख रहे हैं ना, मतलब कि जो फाइनल इमेज है ना, फाइनल इमेज वो कहां पर हम लोग चाहते हैं कि फॉर्म हो जाए, हम लोग चाहते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो फॉर्म हो जाए एट डी, है ना, मतलब कि नियर पॉइंट ऑफ द आई पर। तो चलिए सोचते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने उसी जगह पर रखा है जहां पर पहले था, मतलब कि रेज जो है अभी भी कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट इन्फिनिटी और उसके बाद की बातें कर रहे हैं हम लोग। तो अगेन ये बात को लेकर के तो हम लोग प्रिटी श्योर है कि जो पहली इमेज बनी पी डैश क्यू डैश वो कहां पर बनी, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पे बनी है, ठीक है ना। अब ये जो इमेज बनी है पी डैश क्यू डैश, इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो अब ये जो लेंस आई पीस है और ये जो पी डैश क्यू डैश जो इमेज है विच इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में दूरी कुछ ऐसी होनी चाहिए सच दैट की जो फाइनल इमेज पी डबल डैश क्यू डबल डैश है ये कहां पर बने, एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो चलिए उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, सिंपल एक ही तो फॉर्मूला है लेंस का, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ से। अब यहां पर यू को हम लोग कितना बोल देंगे, यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई पी डैश। साथ ही साथ जो इमेज है वो हम लोग क्या चाहते हैं कहां पर बने, वो हम लोग चाहते हैं कि डी डिस्टेंस दूर बने, है ना, मतलब कि वी जो है जो कि माइनस ई पी डबल डैश दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस ऑफ डी के बराबर, है ना। जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों सेम साइड में फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल हो रही है फॉर्म। अब अगर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन माइनस डी माइनस, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन वी, है ना, 1 अपॉन वी क्या होगा, 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन यू। अब यू कितना है, वो तो है माइनस ई पी डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 अपॉन एफ ई के बराबर। तो यहां से देखिए बच्चों, 1 अपॉन ई पी डैश इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है, 1 अपॉन ई पी डैश जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, जिसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई इन टू डी, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम लोग आगे अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि मैग्निफिकेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन सिंपली हो जाता है बीटा अपॉन अल्फा, है ना। तो अल्फा का मैग्नीट्यूड, है ना, अल्फा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ, ये तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, ये तो एज इट इज अभी भी रहेगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान होगा कि जो बीटा का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाता है, पी डैश क्यू डैश अपॉन ई पी डैश। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन करा था अभी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ बीटा अपॉन अल्फा, जो कि क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश अपॉन ई पी डैश डिवाइडेड बाई पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ ओ। तो यहां पर हम लोग ये तो देख पा रहे हैं कि पी डैश क्यू डैश यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है, एफ ओ अपॉन ई पी डैश के बराबर। पिछले केस में हमें याद है कि ई पी डैश की वैल्यू एफ ई के बराबर थी, जिस वजह से मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एफ ओ अपॉन एफ ई आ रहा था। लेकिन इस बार जो ई पी डैश है ना, वो कितना है, हम लोग देख सकते हैं कि 1 अपॉन ई पी डैश है एफ ई प्लस डी अपॉन एफ ई इन टू डी। तो चलिए इसकी वैल्यू यहां पर भर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई इन टू डी, है ना। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन फाइनली कितना आ जाएगा, बस एक माइनस साइन ही तो यहां पर लगाना है,
तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई मल्टीप्लाइड बाय एफ ई प्लस डी अपॉन डी, है ना। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास फाइनली आ जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एफ ई अपॉन डी के बराबर। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आया ये कब आया, जब ऑब्जेक्ट जो है वो तो इन्फिनिटी पर था और जो इमेज हमने देखी है ना वो कहां पर देखी, इमेज एट डी, और इस केस में आंखों पे जो है वो काफी स्ट्रेन पड़ रहा है ना, लेकिन जो इमेज है वो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि उसका मैग्निफिकेशन पिछले केस से ज्यादा आया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप जो है ना वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वो ओपी डैश प्लस टी डैश ही के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल इज इक्वल टू होना चाहिए ओपी डैश प्लस पी डैश ई के बराबर। अब ओपी डैश तो हम लोगों ने जो केस चुना है ना, जिसमें हम लोगों ने हमेशा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है, उस केस में ओपी डैश कितने के बराबर आ जा रहा है, एफ ओ के बराबर आ जा रहा है, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, पी डैश ई की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो हम लोगों ने अभी अभी दो केसेस देखे थे ना, दो स्पेशल केसेस देखे थे। केस वन जो था वो कौन सा था, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर केस में हम लोग बड़े आराम से यहां पर देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है ना, जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो एल की वैल्यू आ जाएगी इस बार एफ ओ प्लस पी डैश ई की वैल्यू थी एफ ई, तो एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ओ प्लस एफ ई। और जो सेकेंड केस हम लोगों ने लिया था है ना, सेकेंड केस कौन सा था, स्ट्रेन्ड आई वाला केस था, है ना, जब हम लोग इमेज फाइनल कहां पर देख रहे थे, जो फाइनल इमेज थी वो थी हमारे नियर पॉइंट पर, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि एल की वैल्यू हो जाएगी एफ ओ प्लस, और यहां पर पी डैश ई की वैल्यू आई थी हमारे पास एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एफ ई प्लस डी। चलिए बच्चों तो अब हम लोग टेलीस्कोप के ऊपर एक सवाल देखते हैं ना। तो सवाल है, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। द टेलीस्कोप इज एडजस्टेड फॉर डिस्टिंक्ट विजन एंड इट इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज, और हमारे पास चार ऑप्शन है। तो देखिये बच्चों ये सवाल बहुत ही प्यारा है, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ाई करी उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइटली दूर माना था ना, इन्फिनाइट सेपरेशन माना था ऑब्जेक्टिव से। लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी जो है वो देखिए कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी तक डिराइव किया है, हमारे को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे को क्या क्या डेटा दे रखा है, हमारे को दे रखा है यहां पर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, है ना, वो एफ ओ जो है वो कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। साथ ही हमारे को और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस मतलब एफ ई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमारे को ये भी दे रखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए जो यू होगा, है ना, यू ओ, वो हम लोग क्या लेंगे, माइनस 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बातें पूरी कंप्लीट कर लेते हैं ना। जैसे कि हमारे को ये पता चल गया कि एफ ओ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस 200 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ लगा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है। तो 1 अपॉन वी ओ वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एफ, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन माइनस 200 प्लस 1 अपॉन 50, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूं कितना, 4 अपॉन 200 माइनस 1 अपॉन 200, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन 200, है ना। तो यहां से हमारे पास वीओ कितना आ गया, 200 अपॉन 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस से, है ना, कितनी दूर पर उसके द्वारा बनाई गई इमेज फॉर्म हो रही है, 200 सेंटीमीटर अपॉन 3, है ना। अब अगर बच्चों हम लोग आईपीस के बारे में बात करें, है ना, तो आईपीस के लिए हमारे को क्या क्या डेटा दे रखा है, एफ ई जो है ना वो हमारे को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ जो हम लोग चाहते हैं कि जो इमेज बने, है ना, वी ई, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सवाल में देखिए दे रखा है कि यहाँ पर जो सेटअप है ना वो कैसा सेटअप है, इट इज एडजस्टेड फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब इमेज जो है वो नियर पॉइंट पर बननी चाहिए,
ठीक है, तो हमारे को एफ ई मिल गया और वी ई मिल गया, तो अगेन वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कितनी दूरी पर था आईपी से, तो वन अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए वन अपॉन यू की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ के बराबर, तो वन अपॉन वी में क्या लिख देंगे, वन अपॉन माइनस 25 माइनस वन अपॉन एफ के बदले क्या लिख देंगे 5, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन 25 माइनस 5 अपॉन 25, मतलब कि ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 अपॉन 25 के, है ना। तो यहां से हमारे को ये समझ में आ गया कि U जो है, इनफैक्ट इसे मैं क्या बोल दूं, UE बोल दूं, है ना, IPs के लिए, तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है माइनस 25 अपॉन 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, और उसके बाद क्या है आईपीस है ना, और हम लोग ये देख पा रहे हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव है ना, इनके बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर थी, और ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई वो कितनी दूरी पर बनाई थी, आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने निकाला था 200 अपॉन 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर हम लोग बोल देते हैं कि ऑब्जेक्टिव से जो उसके द्वारा बनाई गई इमेज है वो कितनी दूरी पर थी, 200 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर। उसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा कि जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाई गई इमेज थी, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही थी आईपीस के लिए, वो आईपीस से कितनी दूरी पर है, तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि वो जो दूरी है ना, वो कितने के बराबर आ रही है 25 अपॉन 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस इन दोनों के बीच की ही दूरी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो टेलीस्कोप है उसकी लेंथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200 अपॉन 3 प्लस 25 अपॉन 6, तो अगर इसे ऐड करेंगे तो देखिए एलसीएम 6 आ जाएगा और ये ऊपर कितना आ जाएगा 425 अपॉन 6 सेंटीमीटर। तो यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहां पर जो है हम लोग अब बात करने वाले हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या फिर कैसेग्रेन टेलीस्कोप इसका नाम होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मिरर है वो एक कॉनकेव मिरर है और जो सेकेंडरी मिरर है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां पर हम लोग रिफ्लेक्शन का सहारा लेते हैं। तो बस हमारे को एक क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में कि किस तरीके से रेज आती है, और पहले वो टकराती है कॉनकेव मिरर से, उसके बाद फिर वो टकराती है किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अब कॉन्वेक्स मिरर से जब वो टकराती है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कौन सा केस बन जा रहा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस बन जा रहा है, जिस वजह से क्या हो जा रहा है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये उसकी रियल इमेज बना रही है और वो हमारी आंखों में एंटर करती है थ्रू दी आईपीस, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, तो बेसिकली इसका पर्पस होता है कि जब हम लोग मिरर्स का यूज करते हैं तो जो क्रोमैटिक एबरेशन वाली प्रॉब्लम आती है लेंसेज में, उसे यहां पर अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हम लोगों ने अब तक ये पढ़ रखा है कि द नियरेस्ट पॉइंट वेयर एन आई कैन क्लियरली सी इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। अब एक और चीज देखिए कि जो फार्देस्ट पॉइंट है अप टू विच एन आई कैन क्लियरली सी, उसे कहते हैं फार पॉइंट। जैसे कि एक हेल्दी आई जो है वो बहुत दूर दूर की चीजों को भी क्लियरली देख लेता है ना, वही यहां पर लिखा है कि फॉर अ नॉर्मल आई द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट शुड बी अराउंड 25 सेंटीमीटर और लेस एंड द फार पॉइंट शुड बी एट इन्फिनिटी। लेकिन अब क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि देर आर सम डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसकी वजह से हमारे को चश्मे लगाने की जरूरत भी पड़ सकती है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप के जनरल डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नियर साइटेडनेस की, है ना। जो लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं, है ना, नियर साइटेडनेस से, उनको क्या दिक्कत आती है, उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने में दिक्कत आती है ना, जो दूर की चीजें हैं वो उन्हें ब्लर्ड दिखाई देती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, जिनको भी चश्मे लगे हैं तो मेजॉरिटी को यही परेशानी रहती है ना। और इस बीमारी का एक और नाम होता है मायोपिया, है ना, जिस वजह से हम लोग आगे देखेंगे कि उन्हें कॉनकेव लेंस पहनाई जाती है ना, जिसका जो पावर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखते हैं इसके बारे में, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दिस इज बिकॉज एफ मैक्स इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द रेटिना एंड द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फोकस शॉर्ट ऑफ द रेटिना। मतलब इस डिफेक्ट में देखिए होता क्या है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं कि जो रेज है ना,
वो जब आती है इन्फिनिटी से पैरेलल रेज जब आती है तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द रेटिना वो रेटिना के पहले ही फोकस कर जाती है, मतलब इस केस में जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है ना, एक हेल्दी आई के कंपैरिजन में फोकल लेंथ कम हो जाता है, तो ये दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर बीमारी में। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिक्कत क्यों आती है, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द सीलियरी मसल्स आर फुली रिलैक्स्ड इन दिस केस एंड एनी स्ट्रेन इन इट कैन ओनली फर्दर डिक्रीज द फोकल लेंथ विच इज ऑफ नो हेल्प टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग देख पाते हैं कि इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में भी जब रेज पैरेलल है ना आ रही है बहुत दूर से, तो उस केस में सीलियरी मसल्स फुली रिलैक्स्ड अवस्था में रहती है ना, और उस कंडीशन में है ना, उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा आई लेंस है, ये जो सेटअप है आंख का, उसका जो पावर है वो इतना ज्यादा होता है कि रेटिना के पहले ही वो क्या करवा देता है, उसे कन्वर्ज करवा देता है। अब बच्चों अगर सीलियरी मसल्स में स्ट्रेन आया भी तो वो तो और क्या करेगा, फोकल लेंथ को और भी फर्दर डिक्रीज कर देगा, मतलब पावर को और भी बढ़ा देगा, जिससे हमारे को फायदा तो होगा नहीं क्योंकि वो तो और पास में कन्वर्ज करवा देगा इसे, है ना। तो नियर साइटेडनेस का जैसा मैंने आपको बताया था कि एक और नाम क्या होता है, मायोपिया। दिस मे रिजल्ट बिकॉज द लेंस इज टू थिक, है ना। क्या क्या रीजन हो सकते हैं मायोपिया होने के, या तो लेंस जो है वो ज्यादा थिक हो जाए, और द डायमीटर ऑफ द आईबॉल इज लार्जर देन यूजुअल, है ना, जो आईबॉल है उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाए, लार्जर हो जाए, तब ऐसी दिक्कतें आती है ना। तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जहां पर इमेज बननी थी वो पोर्शन पीछे चला गया, है ना, जिस वजह से जो इमेज है वो रेटिना पर नहीं बन पा रही। द रेमेडी ऑफ मायोपिया इज क्वाइट सिंपल, द रेज शुड बी मेड अ बिट डाइवर्जेंट बिफोर एंटरिंग द आई सो दैट दे मे फोकस अ लिटिल लेटर, है ना। हम लोग ये क्वाइट ऑब्वियस बात है, ये समझ सकते हैं कि अगर इन पैरेलल रेज को कुछ ऐसा कर दिया जाए सच दैट कि ये जो पैरेलल रेज है ना ये डाइवर्जिंग हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, इन्हीं आंखों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस रे को है ना, इन रेज को रेटिना पे कन्वर्ज करवा पाएंगे। तो आखिर इन पैरेलल रेज को ऐसा डाइवर्जिंग रेज बनाने का काम कौन कर सकता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कॉनकेव लेंस जो है वो ये काम कर सकता है ना, जो पैरेलल रेज है उनको ये डाइवर्जिंग बना देता है, और डाइवर्जिंग रेज को जो है हमारी आंख जो है रेटिना पर कन्वर्ज करवा सकती है। तो वही देखिए बच्चों, यहाँ लिखा था कि द रेज शुड बी मेड अ बिट डाइवर्जेंट बिफोर एंटरिंग द आई सो दैट दे मे फोकस अ लिटिल लेटर, दस अ डाइवर्जेंट लेंस शुड बी गिवन टू अ मायोपिक पर्सन टू इनेबल हिम और हर टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों इसी डिफेक्ट के ऊपर एक सवाल देखते हैं। अ नियर साइटेड मैन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस ऑफ द स्पेक्टिकल्स necessary for the remedy of this defect। तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम लोग जो है इन्फिनिटी से आने वाली रेज की एक इमेज बना देंगे, कहां पर, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि 1.5 मीटर डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द आई। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आंख जो है वो कंफर्टेबल है उसकी इमेज रेटिना पर बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे को दे रखा है ना कि वो जो नियर साइटेड इंसान है वो 1.5 मीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे देख सकता है। तो हम लोग चतुराई दिखाएंगे और क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बना देंगे 1.5 मीटर पर, ताकि आंखों को क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, 1.5 मीटर पर, और उसकी इमेज तो वो रेटिना पर बना ही सकता है ना, क्लियर है ये बात। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे देखिए कॉनकेव लेंस का। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो कॉनकेव लेंस है उसे क्या करना है, जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है उन रेज से इसे एक वर्चुअल इमेज बनाना है, कहां पर, 1.5 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो एक्स है ना, यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा एक्चुअली फोकल लेंथ, है ना। तो ये जो एक्स है वो फोकल लेंथ बन जाएगा, और हम लोग समझ सकते हैं कि यहां पर फोकस जो है ना उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर हमारे पास, माइनस 1.5 मीटर, और पावर होता है 1 अपॉन एफ, है ना। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1.5 डायोप्टर, है ना, और यहां से पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 0.67 डी, है ना, डायोप्टर। तो ये जो वैल्यू है पावर की, इस पावर का चश्मा अगर इस इंसान को पहना दिया जाए तो क्या होगा, जो इन्फिनिटी से आ रही रेज है वो कहां बन जाएगी उनकी इमेज, उनकी इमेज बन जाएगी इस कॉनकेव लेंस के फोकस पर।
और ये जो दूरी है ना, ये दूरी आंखों के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि ये जो आंख है वो 1.5 मीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज रेटिना पर बना लेती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट डिफेक्ट के बारे में देखते हैं, जो कि है फार साइटेडनेस। मतलब इसमें क्या है कि दूर की चीजें तो दिखाई देती है पर पास की चीजें देखने में दिक्कत आती है। जैसे कि अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू द आई, है ना। द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज एप्रिशिएबली लार्जर दैन 25 सेंटीमीटर, है ना। उन्हें 25 सेंटीमीटर की चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती, और उनका जो लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर से काफी ज्यादा होता है। एंड द पर्सन हैज टू कीप द ऑब्जेक्ट इनकन्वीनियंटली अवे फ्रॉम द आई, है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जब बूढ़े लोग जो है ना, वो लोग जब किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना चश्मे के, तो वो लोग जनरली थोड़ा दूर रखते हैं ताकि उन्हें दिख सके, है ना। दस रीडिंग अ न्यूज़पेपर और व्यूइंग अ स्मॉल थिंग हेल्ड इन द हैंड्स इज डिफिकल्ट फॉर सच अ पर्सन। ठीक है, फार साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज हाइपरओपिया, है ना। जनरली इट अकर्स वेन द आई लेंस इज टू थिन एट द सेंटर एंड ऑब्लिक, और द आईबॉल इज शॉर्टर देन नॉर्मल। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर आईबॉल जो है ना, वो शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो इमेज है वो पीछे फॉर्म होगी और रेटिना जो है वो आगे है, तो इस वजह से अगेन रेटिना पे हमें शार्प इमेज दिखाई नहीं देगी। जनरली ये जो डिफेक्ट होता है ना, ये बच्चों को नहीं होता है, थोड़े बड़े लोगों को होता है ना। तो उसका रीजन क्या, आइए देखते हैं। उसका रीजन यहां पर ये है कि द डिफेक्ट कैन ऑल्सो अराइज इफ द सीलियरी मसल्स बिकम वीक एंड आर नॉट एबल टू स्ट्रेन एनफ टू रिड्यूस द फोकल लेंथ टू अप्रोप्रिएट वैल्यूज। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि जो सीलियरी मसल्स है ना, जब वो मोस्ट स्ट्रेन्ड पोजिशन में भी होती है तो भी वो क्या नहीं कर पाती, वो फोकस नहीं कर पाती उस इमेज को ऑन द रेटिना। ठीक है, तो व्हेन फार साइटेडनेस डेवलप्स ड्यू टू दिस रीजन इट इज नोन एज प्रेस बायोपिया। तो देखिए बच्चों, इस केस में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इंसान तो यही चाहेगा ना कि 25 सेंटीमीटर पर रखी चीजें उसे दिखाई दे। तो वो ऐसे इस डिफेक्ट को सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हम लोग एक ऐसा लेंस यूज करें सच दैट कि जो ऑब्जेक्ट सचमुच में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उनकी इमेज कहाँ बन जाए, एक ऐसे पोजीशन पर जहां पर अगर ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो उसे ये आंख देख सकती है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज अगर कहां पर बन जाए, उस इंसान के नियर पॉइंट पर, है ना, तो क्या होगा, आंखें जो है वो कंफर्टेबली इसे देख पाएंगी, है ना। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ 25 सेंटीमीटर, एक बड़ी डिस्टेंस वाई जो है वहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो बड़े आराम से जो रेज है वो रेटिना पे मीट कर जाती है। ठीक है ना, तो ये काम करने के लिए देखिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे। और इसी वजह से जो ऐसे लोग होते हैं उनका जो पावर होता है चश्मे का वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। द नियर एंड फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन आर एट 40 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस ही ऑब्लिक शी शुड यूज वाइल रीडिंग एट 25 सेंटीमीटर विथ दिस लेंस ऑन द आई, वॉट मैक्सिमम डिस्टेंस इज क्लियरली विजिबल। तो देखिए बच्चों, क्लियरली हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो इंसान है जिसकी चर्चा यहां पर हो रही है, उसको दोनों टाइप की बीमारी है ना, मायोपिया भी है और हाइपरओपिया भी है ना। क्योंकि उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है, 250 सेंटीमीटर है, और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 40 सेंटीमीटर है। तो अभी जो है वो रीड करना चाहता है 25 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को, है ना। तो पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसे अगर रीड कर पाना है तो उसे कौन से पावर की लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कहां पर बन जाए, उस इंसान के नियर पॉइंट पर, है ना। तो यू जो है वो ले लेंगे -25 सेंटीमीटर, और उसकी इमेज कहां पर बननी चाहिए, -40 सेंटीमीटर पर। तो इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v - 1/u = 1/f। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा, 1/-40 - 1/-25, है ना। तो यहां से देखिए 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर हम लोग ले सकते हैं 200 डिनोमिनेटर में, तो यहां से ये आ जाएगा -5 - यहां पर आ जाएगा हमारे पास
प्लस 8 है ना, तो 8 माइनस 5 इज 3 अपॉन 200 हो गया। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, 200 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं ये कितने के बराबर है, 2/3 मीटर के बराबर। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि इस लेंस का पावर क्या हो जाएगा, 3/2 डायोप्टर। ठीक है, तो अब बच्चों आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में। और सवाल के दूसरे पार्ट में देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि विद दिस लेंस ऑन दी आई, है ना, ये जो रीडिंग ग्लास है इसका यूज करते हुए वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक देख सकता है ना, विद दिस लेंस ऑन दी आई व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस इज क्लियरली विजिबल। तो देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा, द अनएडेड आई कैन सी अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर, है ना, 250 सेंटीमीटर दूरी तक अनएडेड आई देख सकता था। अब मान लेते हैं कि इस चश्मे को पहन करके, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन जो है वो डी है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी डी के बराबर। ठीक है, तो अब जो है उस डी डिस्टेंस पर रखे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हम लोग क्या चाहते हैं कहां पर बने, 250 सेंटीमीटर, ताकि जो आई है ना वो उस 250 सेंटीमीटर पर पाए जा रहे इमेज को रेटिना पर प्लॉट कर सके, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वी क्या चाहते हैं हम लोग, वी चाहते हैं माइनस 250 सेंटीमीटर। यू जो है उसकी वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू डी के बराबर है। और एफ जो है वो हम लोगों ने निकाल ही रखा था 200/3। तो देखिए डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 53 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड है ना। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो 53 सेंटीमीटर दूर रखा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहां बनेगी, 250 सेंटीमीटर दूर, है ना। और 250 सेंटीमीटर दूर जब वो इमेज बनेगी तो उस इमेज को हमारी आंख देखेगी अनएडेड आई, और वो उसकी इमेज रेटिना पर बना देगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो तीसरे टाइप के डिफेक्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं जो कि कहलाता है एस्टिगमैटिज्म। एस्टिगमैटिज्म ऑफ द आई इज अ डिफेक्ट दैट रिजल्ट्स व्हेन द कॉर्निया इज कर्व्ड मोर इन वन डायरेक्शन देन द अदर, है ना। तो हमारे को ये जो बीमारी है उसका रीजन समझ में आ रहा है कि कॉर्निया क्या हो जाती है, इट इज कर्व्ड मोर इन वन डायरेक्शन देन द अदर, समवॉट लाइक द साइड ऑफ अ बैरल। बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट द आई डज नॉट फॉर्म शार्प इमेजेस। और इसका रेमेडी क्या है, द रेमेडी इज आई ग्लासेस विद सिलिंड्रिकल लेंसेज दैट हैव मोर कर्वेचर इन वन डायरेक्शन देन इन द अनदर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इट इज रेनबोज, है ना। अ मोस्ट स्पेक्टेकुलर इलस्ट्रेशन ऑफ डिस्पर्जन इज अ रेनबो, है ना। तो रेनबो में हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्जन का फिनोमेना होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन टू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। फॉर अ रेनबो टू बी सीन, अगर आप रेनबो को देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, सन मस्ट बी शाइनिंग इन वन पार्ट ऑफ द स्काई एंड वॉटर ड्रॉप्स इन अ क्लाउड और इन फॉलिंग रेन मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑपोजिट पार्ट ऑफ द स्काई। ठीक है, वेन वी टर्न आवर बैक्स टूवर्ड्स द सन, है ना, मतलब हम जब सन को, सूरज को पीठ दिखा करके खड़े होंगे, वी सी द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन अ बो सीन फ्रॉम एन एयरप्लेन। देखिए हमें तो जनरली वो जब हम लोग ग्राउंड से देखते हैं तो एक बो के शेप का दिखाई देता है, लेकिन अगर एयरप्लेन से आप देखें, है ना, सीन फ्रॉम एन एयरप्लेन नियर मिड डे द बो फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, ऑल रेनबोज वुड बी कंप्लीटली राउंड इफ द ग्राउंड वर नॉट इन द वे। एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में और डिटेल में कि एक्चुअली ये जो रेनबोज है इनको मौका मिलता तो ये पूरा सर्कल बनाते, है ना। तो ये ग्राउंड जो है उसकी वजह से हमारे को विजिबल नहीं हो पाता है, पर होता क्या है, ये कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, तो देखिए पहले बच्चों हम लोग डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे आप ये जो सनलाइट है ना, सनलाइट जब इस पे फॉल कर रही है किसी एक वाटर ड्रॉपलेट पर, तो क्या हो रहा है कि एंटर हो रहा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है यहाँ पर, है ना। फिर अगले फेज पे क्या होता है, फिर से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है, और फिर फाइनली रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन शो करा है, फिर सिर्फ रिफ्लेक्शन शो करा है, और फिर सिर्फ रिफ्रैक्शन शो करा है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही फिनोमेना हो रहा है ना, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ थोड़ा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और जहाँ पर फाइनली रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो हम लोग सबसे नोटिस वर्दी चीज़ क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, कि जब सनलाइट यहाँ पर इस तरीके से फॉल कर रही है इसके ऊपर, है ना, वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर,
तो एक तो डिस्पर्जन का फिनोमेना हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वायलेट और रेड और इनफैक्ट अलग अलग कलर्स के लिए है ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो इसीलिए वजह से क्या होता है कि बेंडिंग अलग अलग कलर्स की अलग अलग होती है ना। तो वायलेट के लिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि म्यू जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए बेंडिंग सबसे ज्यादा वायलेट की होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिनल रे थी है ना, जो वाइट रे थी, उसका और जो इमर्जिंग रे है ना, इमर्जिंग रे जो है उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वायलेट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 40 डिग्री, और जो रेड है वो कितना एंगल बना रहा है, 42 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो बेसिकली ये एक 40 डिग्री और एक 42 डिग्री क्यों बना रहा है वो हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि वायलेट और रेड दोनों के लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। तो यही देखिए शो हो रहा है यहाँ पर, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय अ सिंगल रेन ड्रॉप, है ना। तो अब देखिए लेफ्ट वाले डायग्राम में कि जब आप इस तरीके से यहाँ पर खड़े होंगे है ना, और आप ऊपर देख रहे होंगे एट एन एंगल 42 डिग्री या फिर 40 डिग्री, तो आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्चुअली प्रिज्म की तरह काम करते हुए है ना वाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया 7 कलर्स में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वायलेट और रेड है ना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एंगल का, लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क है, जिस वजह से आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर, आपको रेनबो दिखाई देता है ना। तो देखिए बच्चों वही बातें यहाँ पर लिखी है कि ऑल्दो ईच ड्रॉप डिस्पर्सेस अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, है ना, एक हर एक ड्रॉप से जो है पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम निकलता है। एन ऑब्जर्वर इज इन अ पोजिशन टू सी द कंसेंट्रेटेड लाइट ऑफ ओनली अ सिंगल कलर फ्रॉम एनी वन ड्रॉप, है ना, एक पर्टिकुलर ड्रॉप से उसे एक कलर सही से दिखाई देता है। If violet light from a single drop reaches the eye of an observer, red light from the same drop is incident elsewhere towards the feet, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है कि एक रेन ड्रॉप से, है ना, एक रेन ड्रॉप से उसे वायलेट भी दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही देखेगा। तो अगर उसे वायलेट दिख रहा है तो रेड वाली लाइट उसकी आंखों में एंटर नहीं कर सकती ना, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। टू सी रेड लाइट वन मस्ट लुक टू अ ड्रॉप हायर इन द स्काई, द कलर रेड विल बी सीन व्हेन द एंगल between a beam of sunlight and the light sent back by a drop is 42 degree, जो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर देखा भी है ना। The color violet is seen when the angle between the sunbeams and the deflected light is 40 degree. तो अलग अलग एंगल पर हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, और जिस वजह से हमारे को क्या दिखता है, एक रेनबो। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी रेनबो। अभी हम लोगों ने जो पढ़ाई करी ना, वो हम लोगों ने पढ़ाई करी थी प्राइमरी रेनबो के बारे में, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख पा रहा है ना, आपको यहाँ पर दिख पा रहा है कि एक बढ़िया से रेनबो बन रहा है जिसमें ये रेड है इधर और इधर वायलेट है, लेकिन साथ में आपको एक और फेंट रेनबो दिख रहा होगा जिसमें इधर रेड है और इधर जो है वो वायलेट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कलर पैटर्न रिवर्स होकर के एक और रेनबो यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं। बेसिकली जब सनलाइट जो है फॉल करती है वाटर ड्रॉपलेट पर, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी होता है, पर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन का डायग्राम बनाया। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन हो रहा है पर हमने रिफ्लेक्शन वाले का डायग्राम बनाया। फिर हम लोगों ने क्या करा था, रे को बाहर निकाल दिया था। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग एक और रिफ्लेक्टेड रे है ना, एक और रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग देखें और फिर देखें कि वो जब रिफ्रैक्ट करके बाहर जा रही है तो क्या बनेगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उससे भी एक रेनबो और बनता है। और ऑब्वियस है कि जो इंटेंसिटी होगी इस रेनबो की वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी, और इसीलिए कहलाता है सेकेंडरी रेनबो, है ना। और इसमें आप देख रहे हैं कि कलर पैटर्न जो है वो रिवर्स हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। पिछले वाले में आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर वायलेट जो है वो ऊपर था और रेड जो है वो नीचे था, लेकिन इस बार वाले डायग्राम में देखिए रेड जो है वो ऊपर है और वायलेट जो है वो नीचे है ना, यहाँ पर हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस वजह से क्या होता है, कलर पैटर्न जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो यही देखिए यहाँ पर, डबल रिफ्लेक्शन इन अ ड्रॉप प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी बो। तो देखिए बच्चों इस वजह से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर हम लोगों ने एक बार और रिफ्लेक्शन को कंसिडर करा। अब इस वजह से क्या होता है, एंगल्स में चेंज आता है। जैसे कि अब अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसे 50 डिग्री पर रेड लाइट दिखेगी और 53 डिग्री पर वायलेट लाइट दिखेगी, अगर ये वाला केस रहा है ना कि सनलाइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है, ड्रॉपलेट्स पर टकरा रही है,
तो उस केस में ऑब्जर्वर को है ना हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर देखना पड़ेगा, 50 डिग्री पर ताकि उसे रेड दिखे, 53 डिग्री पर ताकि उसे वायलेट दिखे, ठीक है। चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई द स्काई इज ब्लू। तो देखिए होता क्या है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन एटम, है ना, अगर एक एटम पे एक बीम ऑफ लाइट फॉल करती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उस एटम के, उनका वाइब्रेशनल मोशन एक्चुअली बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे री एमिट द लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस, और इसी फिनोमेना को कहते हैं कि ये लाइट स्कैटर हो गई, है ना, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वही देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी शो कर रखा गया है। अब देखिए होता क्या है कि सारे के सारे जो कलर्स होते हैं ना वो इक्वली स्कैटर नहीं होते हैं। ऑफ द विजिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ सनलाइट वायलेट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एक्चुअली एयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना यही तो मेजॉरिटी में होते हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है कि वायलेट लाइट का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर हम लोग रेड से कंपेयर करें तो वायलेट का काफी ज्यादा होता है, ठीक है। वही यहाँ लिखा है कि रेड इज स्कैटर्ड ओनली एट 10th एज मच एज वायलेट, और ये जो फेनोमेना है इसे कहते हैं रेली स्कैटरिंग, है ना। रेली स्कैटरिंग क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, देयरफॉर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इसके अलावा बच्चों ये जो रेली स्कैटरिंग है वो कब वैलिड होता है, जब साइज ऑफ द स्कैटरर जिसे हम लोग ए कह रहे हैं ना, ए क्या है यहाँ पर साइज ऑफ द स्कैटरर, वो क्या हो मच मच लेस देन वेवलेंथ लैम्डा हो, है ना, जो जनरली किस केस में होता है, मॉलिक्यूल्स के केस में होता है, तो उस केस में ये रेली स्कैटरिंग वैलिड होता है। और उस केस में अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, प्रपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। लेकिन जब स्कैटरर का साइज जो है वो मच मच ग्रेटर देन लैम्डा हो जाता है, और वैसे स्कैटरर कौन होते हैं, जैसे रेनड्रॉप हो गया, लार्ज डस्ट हो गया, आइस पार्टिकल्स हो गया, तो उस केस में रेली स्कैटरिंग वैलिड नहीं होता है और सारे के सारे कलर्स का इक्वल तरीके से स्कैटरिंग होता है। तो लेकिन हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, स्काई की कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेजॉरिटी में रेली स्कैटरिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो दे बिहेव एज स्कैटरर्स, और वो उनका जो साइज होता है वो लैम्डा के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, तो कम होने की वजह से क्या होता है यहाँ पर रेली स्कैटरिंग वैलिड होता है, और जिस वजह से सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किनकी होती है, वायलेट लाइट की होती है। लेकिन क्या होता है कि हमारी आंखें जो है दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू वायलेट लाइट, इस वजह से हमें ब्लू कलर जो है वो ज्यादा अपीयर होता है ना, देयरफॉर द ब्लू स्कैटर्ड लाइट इज व्हाट प्रीडोमिनेट्स इन आवर विजन एंड वी सी अ ब्लू स्काई। इसी के साथ बच्चों एक और सवाल उठता है कि व्हाई सनसेट्स आर रेड, है ना, अगर आसमान जनरली हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है तो सनसेट के टाइम ये रेड क्यों दिखाई देने लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि अ सन बीम मस्ट ट्रैवल थ्रू मोर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सनसेट देन एट नून, क्योंकि नून के टाइम आप समझ रहे हैं कि सूरज जो है बिल्कुल ओवरहेड होता है, लेकिन क्या होता है सनसेट के टाइम हम लोग देख पा रहे हैं कि सूरज यहाँ है, और यहाँ पर जो इंसान है वो कहेगा कि अभी सनसेट हो रहा है, तो आप देखिए कि उसे ज्यादा पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर को कवर करते हुए उस लाइट को आना पड़ता है एज कंपेयर टू नून के टाइम, है ना। तो अ सन बीम मस्ट ट्रैवल थ्रू मोर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सनसेट देन एट नून, जिस वजह से क्या होता है मोर ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम द बीम एट सनसेट देन एट नून। बाय द टाइम अ बीम ऑफ इनिशियली वाइट लाइट रीचेज द ग्राउंड ओनली लाइट ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज सर्वाइव टू प्रोड्यूस अ रेड सनसेट, है ना। तो इस बार क्या होता है, देखिए हमारी आंखों तक अगर ब्लू लाइट पहुंचेगी तभी तो हम लोग कहेंगे कि वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है कि यहां तक पहुंचने के पहले ही ब्लू लाइट स्कैटर हो चुकी होती है पहले ही रैंडम डायरेक्शन में। तो हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस तक मेजॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ रेडिश जो टिंज है वो कलर की लाइट जो है वो ज्यादा पहुंचती है ना, जो ब्लू लाइट है वो पहले ही स्कैटर हो चुकी होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सही जगह पर जाकर के वो स्कैटर हो, तब तो वो हमारी आंखों पे पहुंचेगा। अगर वो कहीं और ही स्कैटर हो चुका है तब तो वो हमारी आंखों पे पहुंचेगा ही नहीं। तो बच कौन सी लाइट रेज जाती है, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना, लोअर फ्रीक्वेंसीज जो है वही सर्वाइव करती है,
और इस वजह से हमारे को जो सनसेट है वो कैसा दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि व्हाई क्लाउड्स आर व्हाइट, है ना। तो क्लाउड बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वेरियस साइजेस, है ना, अलग अलग साइज के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जो बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो चलिए ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे, लेकिन जो स्लाइटली लार्जर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चलिए ग्रीन लाइट को स्कैटर कर दिए, लेकिन और भी बड़े लाइट जो है वो क्या करते हैं, वो रेड लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे के सारे कलर्स जो है वो स्कैटर हो जा रहे हैं, और जिस वजह से हमारे को जो क्लाउड है वो कैसा दिखाई देता है, वो व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर था वो पूरी तरीके से खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है वेव ऑप्टिक्स, एंड अगर कोई कन्फ्यूजन आपको इस लेक्चर में रह गया है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।